हुआ सीएम योगी का 3T फार्मूला टेस्टिंग में यूपी ने बनाए रिकॉर्ड। एक दिन में किए गए सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट। 21 दिनों के भीतर 2,15,000 केस घटे। देश में कोरोना के 2,57,299 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 4,194 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। 24 घंटे में 3,57,630 लोगों ने कोरोना को मात दी। इटावा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सैफई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। अस्पताल में मरीजों से मिलकर जाना हाल। अधिकारियों संघ की कोरोना को लेकर मीटिंग। सीएम योगी से मिले एमएलसी के शर्मा। दोनों के बीच 15 मिनट तक हुई बातचीत। अभी दो दिनों पहले वाराणसी मॉडल की पीएम मोदी ने की थी तारीफ। वाराणसी की जिम्मेदारी के शर्मा के पास है। राज्य में कोरोना से पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला। अदालत ने सरकार को टेस्ट की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार को भी राज्य के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश। भारत में कोरोना वायरस के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार सख्त। सोशल मीडिया कंपनियों को दिया ऐसा कंटेंट हटाने के निर्देश। प्रयागराज में गंगा किनारे दफनाए गए शवों का ड्रोन कैमरे से लिया गया वीडियो सामने आया। शवों के दफन होने से कब्रिस्तान में तब्दील नजर आ रहा है श्रृंगवेरपुर श्मशान घाट। यूपी में आंगनबाड़ी वर्कर्स की कोरोना से मौत पर मिलेगा मुआवजा। सरकार मृतक आश्रितों को देगी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद। आजमगढ़ के 20 मदरसों में फर्जी नियुक्तियों के मामले में केस दर्ज। लखनऊ एसआईटी ने दर्ज किया केस। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने तत्कालीन रजिस्ट्रार और संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे पर FIR। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली सभी पैसेंजर फ्लाइट्स पर बैन 30 दिन और बढ़ाया। अब यह प्रतिबंध 21 जून तक लागू रहेगा। विदेश मंत्री जयशंकर 24 मई से लेकर 28 मई तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका के वैक्सीन निर्माता कंपनियों और शीर्ष अधिकारियों से भारत में वैक्सीन की सप्लाई को लेकर चर्चा करेंगे। एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक। भारत और विदेश के 45 लाख ग्राहकों की जानकारी हुई जाकर। एयरलाइन ने अपनी डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर फोड़ा लीक का ठीकरा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया। नेपाल में 12 और 19 नवंबर को होंगे मध्यावधि चुनाव। शेर बहादुर देववा और पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार बनाने का दावा खारिज। 7 हत्याओं की दोषी शबनम को बड़ा झटका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने फांसी रोकने की याचिका खारिज की। लगातार हो रही बारिश के बाद लखीमपुर खीरी में बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। नदी में फंसे 7 मजदूर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। अमरोहा में गंगा किनारे बने पंडितों की पूजा पाठ के पंडाल और दुकानें जलमग्न हुई। बिजनौर में पहाड़ों पर बारिश से नदियां उफान पर। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। नदी के तेज बहाव में फंस रहे मजदूर। गांव में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंगासू के पास पहाड़ी से गिरा बोल्डर। सड़क धंसने से बाधित रहा मार्ग। 2 घंटे बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू। सहारनपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट। आग से करोड़ों का नुकसान। उन्नाव में पुलिस हिरासत में सब्जी विक्रेता की मौत का आरोप। गुस्साए भीड़ ने थाने के बाहर किया हंगामा। करीब 5 घंटे तक लगा रहा जाम। एसपी के निर्देश पर 2 सिपाही और होमगार्ड सस्पेंड। बाराबंकी में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। पशु तस्कर और हेड कांस्टेबल जख्मी। 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। करीब 1 महीने पहले पुलिस हिरासत से भागा था आरोपी। रायबरेली में दबंगों ने बीच चौराहे पर युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। युवक ने की थी दबंगों की लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायत। प्रयागराज में दबंगों ने सड़क पर फेंका देसी बम। बम के धमाके से मची अफरा तफरी। बमबाजी का वीडियो पास में लगे CCTV में कैद। प्रयागराज में अप्रैल से मई में 3 से 4 गुना बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा। जिले में इस साल 2,819 डेथ सर्टिफिकेट जारी। 50 दिन में आधे से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए।